देश के गौरव सीआरपीएफ ने शान से मनाई स्थापना की 82वीं वर्षगांठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ली परेड की सलामी, बल के शौर्य को सराहा। आतंकवाद से नक्सलवाद तक को नेस्तनाबूद करने में जान की बाजी लगा रहे बल के योद्धा। जम्मू कश्मीर में 11 आतंकी और बिहार में 4 माओवादी ढेर। कुलदीप सिंह बने सीआरपीएफ के नए डीजी। अग्रिम पोस्ट पर पहुंचकर योद्धाओं का बढ़ाया हौसला। उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मिले। फिक्की इंडिया ने आरएफआईडी प्रोजेक्ट के लिए सीआरपीएफ को किया सम्मानित। दिल्ली महिला आयोग ने विमेन बाइकर्स के शौर्य को नवाजा। और सीआरपीएफ ने भी मनाई होली। क्रिकेटर सुरेश रैना भी योद्धाओं की खुशी के रंग में रंगे। नमस्कार, शौर्य संवाद के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस बार हम बात करेंगे सीआरपीएफ की मार्च के महीने की तमाम अहम गतिविधियों की। 19 मार्च को सीआरपीएफ ने अपनी 82वीं वर्षगांठ पूरे गौरव और शान के साथ मनाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने सीआरपीएफ एकेडमी वर्षगांठ परेड की सलामी ली और बल के शौर्य और बलिदान को नमन किया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। देश के हम हैं रक्षक, सीआरपीएफ के योद्धाओं की ये परेड हर भारतवासी की रगों में खून का प्रवाह तेज कर देती है। देश की रक्षा में। वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जगा देती है। देश में कहीं भी कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो हालात पर काबू पाने के लिए सबसे आगे होती है सीआरपीएफ। इस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी, लेकिन 19 मार्च 1950 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे प्रेसिडेंशियल कलर देकर बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया था। बल की 82वीं वर्षगांठ परेड पर सलामी लेने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीआरपीएफ ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देश की एकता को हमेशा मजबूती दी है। उन्होंने बल के 2200 से अधिक शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले मैं सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बल के बहादुर अधिकारियों और बहादुर जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि आपकी शहादत और बलिदान देश की एकता और अखंडता को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान अब तक 2200 से अधिक शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मैं हृदय से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीआरपीएफ महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने कहा कि 247 बटालियन और 3.25 लाख योद्धाओं से लैस हमारा बल दुनिया का विशालतम पुलिस बल है जिस पर पूरे देश को गर्व है। सीआरपीएफ ने अपने इन स्वर्णिम 82 वर्षों के कालखंड में शौर्य व साहस की अनेकों मिसाल कायम की हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हैं। सीआरपीएफ ने स्वयं को लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहरी सिद्ध किया है। जब कभी भी देश की अखंडता एवं लोकतंत्र के समक्ष कोई भी चुनौती आती है तो इस बल के जवानों ने पूर्ण निष्ठा से काम करते हुए और अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर उसका डटकर मुकाबला किया और देश की सुरक्षा तथा सम्मान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। सीआरपीएफ के महानिदेशक का कार्यभार संभालते ही श्री कुलदीप सिंह मिशन मोड में आ चुके हैं। कश्मीर से लेकर बिहार तक का उन्होंने दौरा किया और बल के जवानों की हौसला अफजाई की।
18 मार्च को गुरुग्राम के सीआरपीएफ एकेडमी में डीजी परेड की सलामी लेते बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह। 19 मार्च को वर्षगांठ समारोह का आयोजन यही परेड करती है। सत्ताईस फरवरी को पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने एक समारोह में शुभकामनाओं के साथ बैटन श्री कुलदीप सिंह को सौंपा था। नवनियुक्त डीजी ने कार्यभार संभालते ही कश्मीर की अग्रिम चौकियों पर पहुंचकर योद्धाओं का हौसला बढ़ाया और अभियानों की तैयारियों का निरीक्षण किया। सोलह मार्च को बिहार में उन्होंने 205 कोबरा और 159 बटालियन के जांबाजों से मुलाकात की, जिन्होंने गया में ऑपरेशन में 4 माओवादियों को मार गिराया था। बल महानिदेशक ने महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू से मिलकर उन्हें नेशन फर्स्ट और सीआरपीएफ मंत्रास ऑफ अ डायनेमिक फोर्स किताबों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां भेंट की। बल महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के कार्यालय जाकर उनसे मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने सीआरपीएफ की निष्ठा और समर्पण के लिए प्रशंसा की। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं सीआरपीएफ के जवान। मार्च के महीने में बल की उपलब्धियों पर एक नजर। बिहार के गया जिले के डुमरिया में 205 कोबरा और 159 बटालियन ने एक साझा अभियान में 4 माओवादी मार गिराए। मौके से 3 AK-47 और एक इंसास राइफल जब्त की गई। इसके अलावा 61 माओवादियों को दबोचा गया, जिनमें छत्तीसगढ़ में 26, झारखंड में 13, तेलंगाना में 10, आंध्र प्रदेश में 6, बंगाल में 4 और बिहार में 2 शामिल हैं। अलग अलग राज्यों से कुल मिलाकर 12 माओवादियों ने सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 179 बटालियन ने 1 और अनंतनाग में 90 बटालियन ने 2 आतंकवादियों को एक साझा अभियान में मार गिराया। शोपिया में 3 अलग अलग इनकाउंटर्स में 14 बटालियन और 178 बटालियन ने 8 आतंकवादियों को एक साझा अभियान में मार गिराया। और आइए अब आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, बिल्कुल फोर्स के जवानों वाले चुस्त और फुर्तीले अंदाज में। बंगाल जैसे चुनावी हिंसा वाले राज्य में भी सीआरपीएफ ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराया। चुनावी ड्यूटी के दौरान बल के जवान जरूरतमंद वोटरों को मतदान के दौरान मदद में भी आगे दिखे। सीआरपीएफ की वुशु टीम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन सभी को बल ने सम्मानित किया। बल के शहीद एसआई जीडी मंगाराम देव वर्मा और कांस्टेबल अशोक कुमार ने श्रीनगर में आतंकवादी हमले का मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सीआरपीएफ की जांबाज महिला बाइकर्स टीम को दिल्ली महिला आयोग ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के साथ साथ अन्य अवसरों पर शौर्य प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान आरएफआईडी प्रोजेक्ट और हरियाणा में शस्त्र शक्ति अभियान के लिए सीआरपीएफ को फिक्की इंडिया ने स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया। सीआरपीएफ के योद्धाओं ने भी रंगों के त्योहार होली का आनंद उठाया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अप्रैल के महीने की तमाम बड़ी खबरों के साथ
बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।